तो हाय एवरीवन, आप कहीं पर होंगे, अपने घर या मोहल्ले में होंगे तो यही सुन रहे होंगे 5G है क्या, 5G लॉन्च हो गया है। तो 5G से हमें क्या फायदा मिलने वाला है, कितना स्पीड मिलने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होगा 5G से हमारा, इसलिए आपको इसी पर आप बात करने वाले हैं। अगर हम 5G की बात करेंगे कि 5G का स्वीकार किसने किया है, क्या है, कौन से व्यक्ति इसका मालिक है, तो आपको देखिए 5G कोई भी व्यक्ति मालिक नहीं है, ना ही कोई व्यक्ति इसे खोज जो कि किया हुआ है। जितने सारे मोबाइल नेटवर्क कंपनियां हैं, टेलीकॉम कंपनियां हैं, उन्होंने अपने उपयोग के लिए इसे जो कि बनाया हुआ है कि कैसे हम बनाएंगे कि 5G का जो न्यू जनरेशन आने वाला है उसमें काफ़ी सारा मदद मिलने वाला है। जितने सारे टेलीकॉम कंपनियां, मोबाइल नेटवर्क कंपनियां, उसको श्रेय जाता है कि उन लोगों ने अपने यूज करने के लिए स्वीकार किया एंड हमारे लिए भी जो कि दिया है। अगर हम 5G के बारे में बात करेंगे, 5G से हमें क्या लाभ होने वाला था, सबसे पहले 5G से हमें 5 डाउनलोडिंग स्पीड मिलने वाला है। इसके बाद हमारे साथ जो कि 5G सपोर्ट मशीन होंगे, रोबोट होंगे, हम लोग काफ़ी सारे मदद मिलने वाला है। ड्रोन और रोबोट की मदद से हम लोग खेती करने में यूज कर सकते हैं। जो भी हमारे कंपनियां, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियल कंपनियां हैं, उसमें काफ़ी सारा मदद मिलने वाला है। इसी के साथ हम लोग ड्राइवरलेस कार होंगे और हम लोग ऑनलाइन गेमिंग में काफ़ी सारा फायदा मिलने वाला है जो कि 5G के मदद से। तो ये हमारे लिए सही मायने में एक हमारे लिए बहुत ही अच्छा, एक बेहतर ही हमारे लिए दुनिया और भी बना सकता है 5G। अब हम बात करने वाले कि 5G हमें कितना स्पीड मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 5G का डाउनलोडिंग स्पीड आपको कितना मिलने वाला है। 5G का डाउनलोडिंग स्पीड 4G से 100 गुना तेज मिलने वाला है आपको। 5GB में आप जो 5G है उसमें आपको जो कि 10 GBPS का स्पीड जो कि मिलने वाला है, यानी आपको और एक मूवी का आपका 3GB का साइज है तो उसे आप लोग 35 सेकेंड के अंदर ही डाउनलोड जो कि कर सकते हैं। वहीं अगर हम अपलोडिंग की बात करें तो आप लोग जो कि 5G में 1GB प्रति सेकंड तक आप लोग अपलोडिंग जो कि कर सकते हैं। इसके मदद से हमें काफ़ी सारा ग्रो होने वाला है। अगर हम 5G की स्पीड की बारे में बात करें तो 5G का जो 10,000 MBPS का स्पीड मिलने वाला है। इसके बाद एवरेज स्पीड इसका जो कि होगा 200 से 400 MBPS का जो कि होने वाला है। डाटा ब्रेडविथ का जो कि इसका स्पीड होगा तो 1 GBPS का होगा। और डाउनलोड स्पीड का हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि इसका डाउनलोड का जो स्पीड होगा 10 GB जो कि 10 GBPS का होगा और ऑपरेटिंग स्पीड 1 GB होने वाला है। 5G के हम कुछ और भी महत्वपूर्ण आपको बता देते हैं, जिसमें पिकअप डाटा रेट हो गया। पिकअप डाटा रेट का मतलब हो गया कि जो आप डाटा रेट का कितना इसका जो कि कम्युनिकेशन कम्युनिकेट करने वाला है, इसका जो कि 10 GBPS से हो गया। एंड लेटेंसी की बात करते हैं, ग्रेटर एंड 1 MS जो कि रेडियो मूवी का हो गया है। इसके बाद मोबिलिटी 500 किलोमीटर पर आवर के अंदर जितने सारे डिवाइस होंगे इजली वो स्मूथ कनेक्ट होकर इजली जो कि वर्क करने वाले हैं। तो अभी हमारे लिए 5G 13 जो सिटी में रोल आउट किया गया है, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, और भी समेत कई शहर हैं जहां पर हमारे लिए जो कि 5G जो कि रोल आउट किया है। पूरी तरीके से भारत में लॉन्च नहीं किया गया है। भारत में लॉन्च करने के लिए 2023 मीडिया अंत तक ले हमें जो कि करने को मिल सकता है।